हेलो नमस्कार दोस्तों और साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी अभी देख रहे हैं GPS मयंक। मैं हूं मयंक शर्मा और आज के द मिशन स्काई ऑपरेशन के फर्स्ट एपिसोड में आज बात करते हैं द स्काई ऑपरेशन की। आइए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सौरमंडल के सभी ग्रह में से एक पृथ्वी है जिस पर जीवन संभव है और अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश की जा रही है, जैसे मंगल हो गया, चंद्रमा हो गया। तो आइए जानते हैं पृथ्वी जिस पर जीवन संभव है, जो कि वास्तविकता में हमारा घर है और वास्तव में एक खूबसूरत जीवनदायिनी ग्रह है। अर्थ यानी पृथ्वी, जिस पर अरबों साल से जीवन रूपी पेड़ पौधे जीव जंतु फलते फूलते आ रहे हैं। वास्तव में पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे चार स्थलीय ग्रहों में से सबसे बड़ा है। पृथ्वी का गठन, स्थान, गति, संरचना और जीवन के अस्तित्व के बारे में अनेकों वैज्ञानिकों ने निरंतर प्रयास किए हैं। वह इस ग्रह से जुड़ी हैरान कर देने वाली बहुत सी रोचक जानकारियां खोज को विश्व के सामने रखा, जिससे हमें अपने ग्रह को समझने में बहुत ही मदद मिलती है। आइए आज हम सभी लोग बात करते हैं कि पृथ्वी, जिसे अर्थ भी कहते हैं और जिसे संस्कृत में भू भी कहते हैं, पृथ्वी का निर्माण आज से 4.54 बिलियन वर्ष पहले हुआ था और पृथ्वी को लेकर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ग्रह पर लगभग 4.1 बिलियन वर्ष पहले जीवन का अस्तित्व आरंभ हुआ। 3,959 मील की त्रिज्या के साथ पृथ्वी हमारे सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी को अंतरिक्ष में 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी से देखने पर एक नीले रंग के तारे के जैसा प्रतीत होता है और आकाश से नीला, पृथ्वी का नीला होने के कारण इस ग्रह पर मौजूद जल है। पृथ्वी को बाहरी अंतरिक्ष से अपने नीले रंग की उपस्थिति के कारण ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है। आइए बात करते हैं, और पृथ्वी सौरमंडल पर एकमात्र ग्रह है जिसकी सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं। ये प्लेट पृथ्वी के अंदर मेघमा के ऊपर तैर रही है। जब ये प्लेट आपस में टकराती है तो पृथ्वी पर कंपन पैदा होती है, जिसे आम भाषा में भूकंप भी कहते हैं। और पृथ्वी को कभी ब्रह्मांड का केंद्र भी माना जाता था और वैज्ञानिकों का मानना था कि सूर्य और अन्य ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा निरंतर पृथ्वी के संदर्भ में की गई खोजों ने इस धारणा को गलत साबित किया। पृथ्वी पर आंतरिक निकेल आयरन कोर की उपस्थिति के कारण कि पृथ्वी के पास एक मजबूतीय चुंबकीय क्षेत्र भी है। यह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी पर भारी सौर हवा को रोकने के लिए जिम्मेदार है और बरमुंडा त्रिकोण पर होने वाले हादसों को लेकर वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ये हादसे पृथ्वी पर मौजूद चुंबकीय शक्ति के कारण है। पृथ्वी के पात्र एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसे चंद्रमा भी कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बृहस्पति पर कुल 67 चंद्रमा हैं। तो बताइए आप सभी लोग लाइक और कमेंट में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में, कि है आपको ये जानकारी कैसी लगी। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें द स्काई मिशन ऑपरेशन के इस एपिसोड के लिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और हाँ, आप सभी लोगों को बता दूं कि द स्काई मिशन ऑपरेशन में कमेंट सेक्शन कमेंट क्विज की जा रही है, जिसमें इससे पृथ्वी से रोचक जो जानकारियाँ आप लोगों के पास होगी वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऑडियंस इस बात को तय करेगी कि किसका कमेंट सबसे अच्छा था, और हर संडे को यह कमेंट पढ़ा जाएगा। जिसका कमेंट सबसे अच्छा लगेगा उसे एक विनर प्राइज भी मिलेगा। जब तक के लिए थैंक यू। देख